Hello, my dear students. Welcome back to Tuition Masters. And today, we are here. We're doing our last session for the chapter, The Human and the Colorful World for Grade 10 Physics. तो आज का हमारा लास्ट सेशन है सेशन नंबर 3. एंड एज यू नो, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्रैक्शन. है ना, रिफ्रैक्शन के रियल लाइफ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे. एंड अलॉन्ग विद दैट, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दी स्कैटरिंग ऑफ लाइट. सो ये दोनों इजी इजी टॉपिक्स हैं, फन करके पढ़ते हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब द चैनल राइट अवे. ऑल्सो हिट द बेल आइकन अलॉन्ग विद द सब्सक्राइब बटन सो दैट यू गेट रेगुलर नोटिफिकेशन वेन एवर वीडियोज आर अपलोडेड. नाउ लेट अस से दैट हम लोग वेन इट्स नाइट टाइम वी सी द स्टार्स. है ना, नाउ इन इफ यू आर सीइंग इट इन द डे टाइम, यू सी आउटसाइड देयर विल बी अ सन एज वेल. सो नाउ द थिंग इज, लेट मी टेल यू दैट स्टार्स एंड सन, द लोकेशन वेयर वी सी देम, दे आर नॉट एक्चुअली देयर. वॉट, लेट्स लर्न अबाउट समथिंग नोन एज द एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन. ओके, लेट्स गो इन स्पेस. नाउ लेट अस से कि लेट्स बिगन विद लाइट रे फ्रॉम अ स्टार. एक स्टार है कहाँ पे भी हमारे यूनिवर्स में, लेट अस से द स्टार इज अल्फा. है ना, अल्फा है हमारा स्टार. नाउ फ्रॉम अल्फा वी अर्थ के एटमोसफियर पे पहुंचे, अंदर नहीं गया. ओके, जस्ट टचिंग द अर्थ एटमोसफियर तक लाइट रे आ गई स्टार पे से. राइट, नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एटमोसफियर कॉन्स्टेंट तो नहीं है ना. एज पर ऑप्टिकल डेंसिटी, जितना डेंस होता जाएगा उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा, इजंट इट. अब हमारा है पास स्ट्रेटोस्फियर, थर्मोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, वो सारे स्फियर्स है ना ऑन द एटमोसफियर. सो एज द डेंसिटी इंक्रीजेस तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ता जाएगा, कॉन्स्टेंट तो नहीं है. नाउ एज डेंसिटी इंक्रीजेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑल्सो इंक्रीजेस, नथिंग न्यू. वी नो दैट डेंसिटी विल इंक्रीज, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल ऑल्सो इंक्रीज. ओके, नाउ एज वी गो क्लोजर टू द अर्थ, द डेंसिटी ऑफ एटमोसफियर इंक्रीज. ये सबसे लाइट है, ये थोड़ा डेंसर, ये बहुत डेंसर है ना. सो एज वी कम टूवर्ड्स द अर्थ, एटमोसफियर की डेंसिटी लेयर बाय लेयर बढ़ती जाती है ना. सो लाइट रे मतलब बहुत बार रिफ्रैक्ट करेगी, है ना. यहाँ से इफ यू लुक ओवर हियर, लेट अस ड्रॉ वन नॉर्मल. सो यहाँ से वो बेंड हो रही है ना. अगेन आई विल ड्रॉ वन नॉर्मल, अगेन वो बेंड होगी, है ना. अगेन आई विल ड्रॉ नॉर्मल, अगेन वो बेंड होगी, और वो ऐसे टेढ़ा टेढ़ा होके आएगी. बिकॉज दी डेंसिटी इज चेंजिंग, सो द लाइट इज रिफ्रैक्टिंग मल्टीपल टाइम्स, दैट इज नोन एज द एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन. डेफिनेशन क्या होता है, डिविएशन ऑफ लाइट एज इट पासिस थ्रू द एटमोसफियर ड्यू टू द वेरिएशन इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर. एटमोसफियर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वजह से जो लाइट डिविएट होती जाती है एज इट कम्स इन द अर्थ, दैट इज नोन एज एटमोसफेरिक रिफ्रैक्शन. सो देर इज अ हाइट का डिफरेंस है ना. लेट अस से दिस वॉज अल्फा ना, अब ये देखो दूसरा स्टार है इधर बीटा. सो बीटा का हाइट और अल्फा का डिफरेंट है. सो दैट इज वाई ऑल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, सन, फिर स्टार्स, ये सारी अपियर हायर, वो बहुत ऊपर लगती है देन दे एक्चुअली आर. ओके, अगर वो यहाँ पे, हमको लगे कि वो यहाँ पे है. ऑलराइट, सो ऑल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स अपीयर हायर. जो अब हम देख रहे हैं ना, हम देख रहे हैं कि बहुत ऊपर है पर उतने ऊपर है नहीं, नीचे है, ड्यू टू मल्टीपल रिफ्रैक्शन दैट इज हैपनिंग इंक्लूडिंग द सन एज वेल. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द सन ऑल्सो. नाउ अर्ली सनराइज और डिलेड सनसेट के बारे में बात करते हैं. अगेन स्पेस पे ही हम लोग, हम नीचे नहीं आ रहे, अर्थ पे थोड़ा टाइम अभी. सो लेट्स कंसिडर अ पर्सन लुकिंग एट दिस सनराइज. ये हम लोग हैं ऑलरेडी, इट्स अ पर्सन, ही इज लुकिंग एट दिस सनराइज हो रहा है, ये आपकी होराइजन लेयर है. ओके, नाउ डिफरेंस इन अपेरेंट एंड रियल पोजिशन ऑफ सन इज 2 मिनट्स. मतलब सन भी तो दूर है ना, सन थोड़ी ना अर्थ के अंदर है, इट इज ऑल्सो अवे, है ना. लाइक अ स्टार, वो भी दूर है. जब सन से भी लाइट रे आएगी वो भी अब ऑब्वियसली एटमोसफियर एंटर करने के टाइम रिफ्रैक्ट करेगी. सो द थिंग इज, जो एक्चुअल
जो एक्चुअल है ना, द रियल पोजिशन ऑफ द सन और जो अपेरेंट पोजिशन जो हमको दिखती है, उन दोनों का डिफरेंस इज 2 मिनट्स। ठीक है, उन दोनों का अगर आप इधर खड़े हो, यहाँ से यहाँ जाने के लिए 2 मिनट्स लगेंगे। सो द सन राइजेस 2 मिनट्स अर्लियर देन इट एक्चुअली क्रॉसेज द होराइजन। जो जब होराइजन में पहुंचते, 2 मिनट ऑलरेडी हो गए होते हैं सनराइज को, बट बिकॉज इट इज रिफ्रैक्टिंग इन आर एटमोसफियर, तो वो हमको लगता है कि वो एक्चुअली हायर है। सो दैट्स द रीजन। सो देखो, वी कैन सी द सन 2 मिनट्स आफ्टर इट हैज क्रॉस द होराइजन। जब वो क्रॉस होके 2 मिनट हो गए उसके, तब जाके हम लोग हो देख पाएंगे सन को। सो द रियल पोजिशन इज समवेयर एल्स बट अपेरेंट इज मोर, और उन दोनों का डिफरेंस इज ऑफ 2 मिनट्स। अब देखो, अब स्टार साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। ब्राइट और डल स्टार्स क्या होते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस, एज भी हमने पढ़ा कि जैसे जैसे अंदर जाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा, इजंट इट? सो बट ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, देयर इज अ वेरिएशन अलोंग विद द टाइम ऑल्सो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट ईच इंस्टेंट इज डिफरेंट देन द वन बिफोर, है ना? हर जब भी यहाँ पे, लेट्स से दिस इज लेयर ए, दिस इज बी, दिस इज ई, ए में कुछ और होगा, बी में कुछ और होगा, सी में कुछ और होगा। सो एज वी कम अलॉन्ग विद द टाइम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑल्सो कीप्स ऑन चेंजिंग। सो लेट अस से अ फ्यू लाइट रेज आर कमिंग। ठीक है, कोई दूर के किसी कोई स्टार से आ रही है लाइट रेज, एट वन इंस्टेंट दे विल रिफ्लेक्ट लाइक दिस। इधर से पहुंची, रिफ्रैक्ट हुई, यहाँ से पहुंची, रिफ्रैक्ट हुई, यहाँ पहुंची, रिफ्रैक्ट हुई, तो वो रिफ्रैक्ट हो गई, चलो समझो ऐसे बेंड हो गई, है ना? सो हमने क्या पढ़ा, एज इट कम्स फ्रॉम द लेयर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कीप्स ऑन चेंजिंग। सो एज अ रिजल्ट क्या होगा, समटाइम्स मोर लाइट विल रीच द ऑब्जर्वर एंड समटाइम्स लेस लाइट विल रीच, है ना? लेट अस सी देयर इज अनदर पर्सन ओवर हियर। सो यहाँ पे पॉसिबल है कि ही वोंट बी एबल टू सी दैट ब्राइटली जितना ये पर्सन, लेट्स से दिस इज आर पर्सन एक्स और ये है वाई। सो एक्स पर्सन के ऊपर डायरेक्टली रेस पड़ रही है, सो ही कैन मोर ब्राइटली सी द स्टार, वेरस वाई के इधर लाइट रेज आर नॉट कमिंग दैट प्रॉपरली, इतना यू नो बेंड नहीं हो रहा। सो लेस लाइट आ रही है, सो ही इज एबल टू सी अ डल स्टार। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट वाई द इंटेंसिटी ऑफ स्टार्स कीप्स ऑन चेंजिंग। सो समटाइम्स द स्टार्स विल अपियर ब्राइट, अदर टाइम्स इट विल अपियर डल, है ना? सो दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ द स्टार। अब प्लैनेट्स, प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते? नाउ एट एन इंस्टेंट वन पॉइंट इज ब्राइट एंड द अदर इज डल, एट द नेक्स्ट इंस्टेंट इट कैन चेंज ऑल्सो। लेट्स से एज वी वर हियर, एक्स और वाई का, अगर एक्स इधर चला जाए वाई इधर आ जाए, तो वाई के लिए बढ़ जाएगा, वाई के लिए दी स्टार विल बिकम ब्राइटर। सब थोड़ी ना स्टार बदल रहा है पर्सन के लिए, नो, इट्स जस्ट बिकॉज फ्रॉम दी वेयर यू आर लुकिंग, फ्रॉम फार अवे इट विल लुक लाइक अ ओवरऑल इंटेंसिटी सेम ओनली, सो द ट्विंकलिंग इफेक्ट इज नॉर्मलाइज्ड। ठीक है, इस वजह से प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते, बिकॉज दी ओ फार अवे प्लैनेट्स तो हमारे से कितने दूर है, सो इंटेंसिटी ऑलमोस्ट सेम लगते रहे, ऐसा दिखता नहीं कि वो लोग ट्विंकल ट्विंकल कर रहे हैं। ऑलराइट, सो दैट्स द रीजन। अब अलोंग विद एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन, मतलब उसकी वजह से देयर आर सम मोर थिंग्स आल्सो, लाइक ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एंड माइरेज। नाउ माइरेज के बारे में हम पढ़ते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स वी ऑलरेडी स्टडीड। व्हाट इज माइरेज? इफ यू हैव एवर बीन टू अ डेजर्ट, डेजर्ट ऑल्सो भी नहीं, अगर आप देखो कि ऑन अ वेरी समर डे ऐसे दूर से दिखते कि है ना, ऐसे वेट रोड है, वेट एटमोसफियर है, ऐसे ऐसे हिल रहे वो, राइट? इट्स समवॉट मूविंग, दैट इज नोन एन माइरेज। आई डोंट नो द एग्जैक्ट, यू नो हाउ डू आई एक्सप्लेन यू, बट इफ एनी यू लुक, अभी देखो, टर्न ऑफ योर स्टोव ऑल्सो, टर्न ऑफ योर स्टोव एंड पुट समथिंग ऑन द पैन, देन यू लुक क्लोजली फ्रॉम इट, यू विल सी दैट ऐसा लगता है गिल्ला है वो, इट विल अपियर टू यू, इट विल अपियर एज वेट टू यू, इट विल लुक लाइक इट्स मूविंग, दैट्स नोन एज माइरेज। सो दैट फिनोमिनन इज नोन एज माइरेज। इट ऑल्सो हैपन्स ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन, बिकॉज जो लोकल एटमोसफेयर कंडीशन है वो रिफ्रैक्शन को सम हाउ एफेक्ट रही, यहाँ से आएगी सो इट विल बेंड। सो एयर नियर द हॉट रोड या डेजर्ट, ठीक है, हॉट होता है, सो इट इज रेयरर, और जो एयर रेयरर देन द एयर अबाउट, सो ऊपर जितनी एयर है वो
होती है, लाइक आउटर लेयर हॉट है, उसके अंदर हॉटर है, बट नज़दीक सबसे हॉटेस्ट होता है. सो एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कीप्स ऑन चेंजिंग, सो हायर फ्रॉम द हॉट सर्विस, तो माई रेज इज विजिबल. अगेन एक हॉट डे ले लो, वेन एयर इज क्लोज टू द ग्राउंड इट विल बी हॉटर, है ना. अगर ये लैंड है, सो ये एयर और ये एयर कौन सी हॉट होगी? ऑब्वियसली दिस इज हॉटर, दिस इज लेस, दिस इज द हॉटेस्ट, दिस इज ओनली हॉट, है ना. सो एयर टेम्परेचर इज मोर, सो डेंसिटी विल बी लेस. अगर डेंसिटी इज लेस, दैट मीन्स दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी लेस. सो ये ग्राउंड है ना, सो ये हॉटेस्ट लेयर है, ये हॉटेस्ट है, ये हॉटर है और ये हॉट है. सो यहाँ पे डेंसिटी चेंज होती जा रही है. सो जब लाइट रेस आएंगी, सो इट विल रिफ्रैक्ट. सो इस वजह से माई रेज इज विजिबल. सो व्हेन द लाइट रेस कम, इट विल बेंड 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 एंड इट विल हिट, इट विल कीप ऑन हैपनिंग टिल इट हिट्स दी एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाने तक दिस प्रोसेस विल कीप्स ऑन गोइंग. उसके बाद क्रिटिकल एंगल से बड़े तक पहुंच गए, सो द लाइट विल गो अंडर इंटरनल रिफ्रैक्शन और वो वापस आपका ऐसे कर्व्ड पाथ में आपको दिख जाएगा. सो दैट्स व्हाट इट गिव्स द इल्यूजन. ऐसा लगने लगता है कि देयर इज वाटर ऑन द रोड. ओके, नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. हैव यू एवर बीन टू अ बीच? बीच गए होंगे. यू कैन सी द सैंडी बीच एंड द ब्लू स्काई, इट इज सो ब्यूटिफुल, राइट. नाउ वन थ्योरी वॉज दैट द स्काई वॉज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ओशन. स्काई ब्लू क्यों है? हैव यू एवर वंडर्ड दैट व्हाई स्काई ब्लू? व्हाई नॉट रेड, पिंक, पर्पल, वॉयलेट, रेड, व्हाई नॉट समथिंग एल्स, व्हाई ओनली ब्लू? अदर थ्योरी वॉज रिलीजियसली माइथोलॉजिकली देर वॉज अ ग्रीक गॉडेस एथेना. सो एथेनास आईज वर ब्लू, सो लोगों को लगता था इस वजह से स्काई ब्लू है. साइंटिफिकली दैट्स नॉट द रीजन. लेट्स अंडरस्टैंड वाई. सो कंसिडर देर इज अ ग्लास फुल ऑफ वाटर, ठीक है. एक्सपेरिमेंट आप कर भी सकते हो. नाउ वेन यू पास अ लेजर लाइट, सो यू वॉन्ट बी एबल टू सी द एग्जैक्ट पाथ, दिखेगा नहीं. नाउ डू वन थिंग, एड सम अमाउंट ऑफ मिल्क, थोड़ा सा ड्रॉप्स डालो मिल्क के. नाउ अगेन पुट द लेजर, यू विल बी एबल टू सी द ग्रीन पाथ, है ना. सो वॉट हैपेंड, मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट कंटिन्यूज इन द सेम डायरेक्शन, बट वेन द लाइट फॉल्स अगेन ऑन द डिफरेंट पार्टिकल्स, वो स्कैटर होती जाती है, इजेंट इट. जब मिल्क पार्टिकल्स आ गए, सो लाइट रेस आके स्कैटर होने लग गई, है ना, स्कैटर होने लग गई. सो क्या हुआ, एक ऐसा ग्रीनिश पूरा पूरा एल्यूमिनेशन बन गया, है ना. सो इफ द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, ऐसा लगेगा कि वो पाथ ऑफ रे है. अगर वो लोजली, ये देखो, यू कैन सी दिस पाथ ऑफ रे, यस यू कैन सी इट, बिकॉज द लाइट्स आर स्कैटरिंग. सो दिस रीडायरेक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन इज नोन एज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट. जब ये लाइट की डायरेक्शन चेंज होती है ना, वो स्कैटर होने लग जाता है ना, दैट इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट. सो पार्टिकल्स ऑफ मिल्क इन द ग्लास स्कैटर्ड लाइट, बट वाटर के पार्टिकल्स ने नहीं किया. वाई? बिकॉज मिल्क इज अ कोलॉइड, इट्स अ कोलॉइड. रिमेंबर हमने 9th में पढ़ा था, इट्स अ कोलॉइडल सोल्यूशन. सो हमको स्कैटरिंग के लिए एक साइज का एक स्पेसिफिक वो होता है, पार्टिकल्स का साइज होता है. सो वाटर पार्टिकल स्मॉल है कंपेयर टू मिल्क, सो इसलिए हमको स्कैटरिंग विजिबल नहीं है, बट मिल्क इज अ कोलॉइड एंड हर कोलॉइड का होता है. कमिंग बैक टू अवर स्काई का थ्योरी, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज मोर, सो स्कैटरिंग इज मोर, बट इंटेंसिटी विल बी लेस. ओके, नाउ अब पढ़ते हैं वापस स्काई के पास. एटमोसफियर, एटमोसफियर में भी स्कैटरिंग होगी. वाई नॉट? मीडियम है, लाइट है, सब है. वी नो हमारा विबग्योर बन रहा है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड. ग्रीन को छोड़ दो, वो मिडल में आता है. अब एज पर वेव लेंथ हमको पता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू की सबसे कम वेव लेंथ होती है, वेर एज रेड, ऑरेंज, येलो इन सब की बहुत हाई वेव लेंथ होती है. सो वॉट वी स्टडीड, इफ द इंटेंसिटी इज लेस, स्कैटरिंग इज मोर. मतलब रेड, ऑरेंज, येलो बहुत कम स्कैटर करेंगे, बट वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू बहुत हाई स्कैटर करेंगे, इजंट इट? यस. इन अ स्मॉगी फॉगी वेदर वी कैन सी द बीम ऑफ लाइट, करेक्ट, बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग.
रेनबो फॉर्मेशन इज काइंड ऑफ स्कैटरिंग ऑल्सो इन ऑफ व्हाइट लाइट, ओके, बट वो स्काई के साथ हो रहा है, वी स्टडीड दैट. उसके बाद स्काई अपेयरिंग रेडिश है ना ऐसा सनसेट सनराइज के टाइम पे, और नॉर्मली ब्लू हो जाता है. वाई, कौन चेंज कर रहा है कलर, हु इज चेंजिंग दी लाइट ऑफ इट? सो पार्टिकल्स ऑफ द एटमोसफियर एंड स्मॉल इन साइज, है ना, तो पार्टिकल्स बहुत स्मॉल है, तो रेड ऑरेंज येलो ये लोग स्कैटर नहीं हो सकते, बहुत हाई वेवलेंथ होती है इनकी, स्कैटरिंग पॉसिबल नहीं है. मतलब वॉयलेट इंडिगो ब्लू स्कैटर कर सकते हैं. नाउ वॉयलेट इंडिगो ब्लू आ रहे हैं, सो व्हेन द ऑब्जर्वर सीज द स्काई तो वॉयलेट इंडिगो ब्लू सब दिखने चाहिए, बट स्ट्रेट लाइन में थोड़ी ना आ रहे, देयर विल बी रिफ्रैक्शंस, है ना, लाइक नॉट लाइक दिस बट देयर विल बी रिफ्रैक्शंस. सो रिफ्रैक्शन के बाद वॉयलेट और इंडिगो की हाई वेवलेंथ होती है कंपेयर टू ब्लू, है ना, सो दे विल लूज योर इंटेंसिटी, सो ओनली ब्लू कलर इज विजिबल, एंड दैट इज द रीजन द स्काई अपियर्स ब्लू, बिकॉज ओनली द ब्लू कलर रीचेस रेड ऑरेंज येलो को, तो छोड़ ही दो, स्कैटर ही नहीं करते, वॉयलेट इंडिगो इंटेंसिटी लूज कर देते, और ओनली ब्लू इज विजिबल फ्रॉम द अर्थ, सो दैट्स द रीजन स्काई अपियर्स टू बी ब्लू. सो दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर. And with this, we have completed with our today's session. Thank you so much for watching. And I'll be seeing you in the next chapter of physics, that is electricity. Again, light ke jaisa hi calculations wala chapter hai. So let's get over with this chapter. Thank you so much for watching. I hope everything was clear. If you have any doubts or suggestions or anything more videos you want, do let me know in the comment section. I'll surely reply back. So thank you so much for watching. I'll be seeing you in the next video. Till then, take care and goodbye. Subscribe to our channel right away.